नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला। प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से है, जहां जिला अस्पताल में आज बीजेपी के जिला मंत्री सुनील दर्शन व नई मंडी पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। बीजेपी के जिला मंत्री एक्टिवा से किसी काम से जिला अस्पताल गए थे, वहीं नई मंडी पुलिस भी किसी अपराधी का मेडिकल कराने आई हुई थी, तभी बीजेपी के जिला मंत्री के एक्टिवा में पुलिस की गाड़ी की साइड लग गई, जिस पर विवाद हो गया और हाथापाई की नौबत आ गई। वहीं नई मंडी पुलिस के कोतवाल की गाड़ी के ड्राइवर ने बीजेपी के जिला मंत्री सुनील दर्शन को गाड़ी में बिठाकर और शहर कोतवाली में पुलिस की सुपर्दगी में दे दिया, मगर वहीं शहर कोतवाली में सुनील दर्शन धरने पर बैठ गए। सुनील दर्शन ने पुलिस कर्मियों पर मारपीट व कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, अक्सर जिला अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर तीमारदारों के वाहनों की भीड़ लगी रहती है और कई बार वाहन हटाने को भी विवाद होता रहता है। वहीं थाना शहर कोतवाली में सीओ नई मंडी, सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह सहित इंस्पेक्टर योगेश शर्मा सुनील दर्शन को मनाने की कोशिश करते रहे, मगर वहीं बीजेपी जिला मंत्री सुनील दर्शन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के लिए अड़े रहे। जैसे ही राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व बीजेपी जिलाध्यक्ष को इस मामले का पता लगा, उन्होंने तुरंत SSP अभिषेक यादव से बात कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं SSP अभिषेक यादव ने तुरंत प्रभाव से कांस्टेबल रोहित त्यागी को सस्पेंड कर दिया है और SI जयप्रकाश भास्कर को लाइन हाजिर कर दिया है और पूरे मामले की जांच बैठा दी गई है। प्राइम न्यूज 24 के लिए विशाल प्रजापति की एक खास रिपोर्ट। मंत्री के साथ मारपीट हुई है, कपड़े फाड़े हैं, क्या है पूरा मामला? ये आज सुबह जिला अस्पताल में थाना नई मंडी में कार्यरत एक कांस्टेबल के द्वारा सुदर्शन जी के साथ किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था, जिसमें उस आरक्षी के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई है। इस प्रकरण का संज्ञान लिया गया है। संज्ञान लेकर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है और एक सब इंस्पेक्टर का नाम भी प्रकाश में आ रहा था, उसकी लाइन हाजिर किया गया है और पूरे प्रकरण की प्रारंभिक जाँच सेटअप की गई है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की गई। सर, भाजपा कार्यकर्ता पुलिस के सामने बैठ के पुलिस को खड़ी खोटी सुना रहे थे, वो काफ़ी बातों को लेकर के, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है और जो भी उनके द्वारा प्रकरण संज्ञान में लाए गए हैं उन सबकी जांच की जाएगी। भैया, दो दिन पहले मेरे भतीजे के साथ विवाद हो गया था, मारपीट हो गई थी, तो वो अस्पताल में भर्ती हुए देखने के लिए गया था मैं हॉस्पिटल में। तो बीच में जगह खाली होने का था, मैं स्कूटर खड़ा कर रहा था, पीछे से जीप लाए, पहले तो मैं स्कूटर में टक्कर मारी उन्होंने, जिसकी जीप से हो सके मेरे से गलती हो, मैंने अपने मगर चलो भाई मेरे से गलती होगी, मैंने माफ़ी मांग ली, तो मगर चलो कोई बात नहीं। तो उसने आगे देखा, ढकने देखा, नीचे उतरा, मेरे साथ मारपीट चालू कर, दुर्व्यवहार, बदतमीजी, भाजपा को भी परिचय देने के बाद भाजपा सरकार को भी गाली देना, बदतमीजी नहीं, इस तरह से उन्होंने दुर्व्यवहार करा। मैं ये मैंने अपने जो कार्यकर्ता, हाँ जी जी, कितना मारपीट किया आपके साथ, क्यों मारपीट किया? नहीं, मारपीट में मारपीट भी करी और दुर्व्यवहार भी करा। अभी आप धरने पर बैठे, किस तरह की मांग थी? वे जानते हैं उन्होंने क्यों मारपीट करी, क्यों नहीं, तो मेरी ना ही मेरे से कोई विवाद हुआ, ना ही कोई विवाद हुआ, ना मैं कुछ जानता। आप धरने में भी बैठे थे? थाने वाले धरने बैठ गए थे? धरने पे तो नहीं बैठा था, लेकिन यह है कि मैंने अपने जो अपने पीड़ा बताई, अपने जिलाध्यक्ष है, अपने जो जनप्रतिनिधि है उनके संज्ञान में बात डाली है, उन्होंने जो उचित कार्रवाई करवाई होगी उसमें उन्होंने करवाई होगी, मैंने अपने उच्च अधिकारी जितने भी सबके नॉलेज में बात डाली।